नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। जगदीश राज हत्या मामले में पुलिस ने चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कल हमने आपको जानकारी दी थी कि कौन कौन लोग जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। मैं आपको बता दूं, एक जगमोहन को गिरफ्तार किया गया था, एक उसकी पत्नी थी आशु देवी, और तीसरा आरोपी था गाला राम, जिसे गिरफ्तार किया गया था। छापे मारने के लिए पुलिस जो है वो पंजाब भी गई थी और उस दौरान खाली हाथ तो पुलिस को वापस लौटना पड़ा था। लेकिन अब जानकारी यह है कि चौथा जो आरोपी था सोहन लाल पुत्र प्रकाश चंद, इसे भी गिरफ्तार कर लिया है। थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें, अरनिया में जगदीश राज की हत्या कर दी थी। 18 वर्ष उम्र है जगदीश राज की, और उसके बाद उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया गया था, जहां पर उसका इलाज चल रहा था, और उस दौरान इलाज के दौरान जगदीश राज ने वहां पर अपना दम तोड़ दिया था। और उसके बाद इस बात को लेकर काफी इशू भी हुआ था, लोगों ने पुलिस के ऊपर भी आरोप लगाए थे कि पुलिस जो है वो पुलिस का रवैया जो है वो बड़ा ढीला डाला है। और उसके बाद जब ये मैटर सोशल मीडिया के ऊपर, न्यूज चैनलों पर काफी हाईलाइट हो गया, तो उसके बाद पुलिस सक्रिय होकर काम करती हुई दिखी और अब चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ बात करने के लिए सन्नीकांत चिब हैं, जो मूवमेंट कल्की के बोर्ड मेंबर हैं, कोर कमेटी के सदस्य हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, इस मामले में आप भी काफी सक्रिय रहे, क्या कुछ मामला है और क्या आप संतुष्ट नहीं? देखिए, सबसे पहले तमाम मीडिया कर्मियों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि जो मीडिया कर्मियों का बहुत बड़ा रोल रहा उसके अंदर, और साथ ही साथ में हमारी पुलिस प्रशासन, चाहे वो हमारे एसपी हेडक्वार्टर राठौर साहब हो, या एसजीपी हर्षपुरा हो, चाहे एसएचओ कंसर्निंग हो, उन तमाम पुलिस अफसरों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इसको बहुत ही सीरियसली जो है इसको देखते हुए इस पे कार्य किया। और एसएसपी जम्मू जो है उनको भी हमने बोला, उन्होंने भी अच्छे तरीके से जो है इसको प्रटेन किया और अच्छे तरीके से जल्द ही विद इन डेज जो है जितने भी इनके अंदर जो कातिल थे उनको अपना अरेस्ट करके जो अरनिया थाना के अंदर जो है वो रखा गया है। और जल्द ही हम चाहते हैं कि इनके ऊपर सबसे सख्त कार्रवाई हो, और जो ये हम पहले से डिमांड कर रहे थे आजीवन कारावास, यानी कि उम्र कैद टिल टू डेथ इनको होनी चाहिए, क्योंकि एक मासूम बच्चे की जान गई है। वो 18 साल का जगदीश जो बार्बर शॉप पे अपने काम करता था, ना ही उसको पता था कि किस चीज की लड़ाई है, ना ही किसी चीज की कोई इसको बात का पता था। अपने घर वापस आते हुए लौटते हुए जिस तरीके से उसके साथ हमला हुआ है, और हमला होने के बाद उसने अपनी उसकी जो जान गई है वो बहुत ही एक निंदनीय घटना है। गाड़ी के नीचे कुचला, पहले फिर तेज आ रहा था, पहले कहीं स्कूटी बाइक जो है वो उसको उसके लिए उन्हें हिट किया है, उसके बाद जो तेजदार हथियार है उसके साथ मारा है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज लगती है कि आखिरकार उन कातिलों का इतना हौसला, और ऐसे चीज ये नहीं दिखी कि एक मासूम बच्चा जिसको ये भी नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना है, आगे क्या नहीं करना, तो उसके साथ अगर आपने ऐसा कार्य किया है, तो हमारी जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने अच्छे तरीके से दर्द बोचा इनको, जहां जहां छुपे थे वहां वहां से निकाल लिया, और निकालने के बाद अरेस्ट कर दिया। और इनकी ऊपर धारा जो 103 है आज की डेट में, जो बीएनएस के तहत जो लगती है, वो जैसे 302 थी पहले, आज 103 है, उसके तहत मामला दर्ज किया है, और आने वाले टाइम में इनको जेल के सलाखों के अंदर बंद किया जाएगा, और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और मैं कहता हूं कि जेल के अंदर ही इनको आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए, और मैं चाहता हूं कि अगर हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर इस तरीके की अगर और ऐसी वारदात होती रहेंगी, क्या हमें मीडिया कर्मियों का, या हमें लोगों का, या हमें पुलिस प्रशासन का बार बार दरवाजा खड़काना पड़ेगा? क्यों, अगर ऐसी चीजें होती हैं तो तुरंत उस पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेना चाहिए, और एक्शन लेने के बाद जो ऐसे कार्य ऐसे घिनौनी हरकत करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप संतुष्ट हैं? देखिए, पुलिस का कार्य देखा, मीडिया कर्मियों का सहयोग देखा, तो हम इससे संतुष्ट हैं कि जल्द से जल्द जो है उन कातिलों को पकड़ के उनको जो है जेल के सलाखों में बंद किया है। नहीं तो आप देख सकते हैं कि कातिल जो है शरेआम बाहर घूमते रहते हैं, तो उनको इंसाफ आज तक नहीं मिलता। तो जिसके चलते हमारी तरफ से या मूवमेंट कल्की की तरफ से, हमारे और लोगों की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये बहुत ही जल्दी जो है 4-5-6 दिन के अंदर अंदर सारा जो है पुलिस डिपार्टमेंट ने काम करके अपना जो कर्तव्य निभाया है, और मीडिया कर्मी ने अपना कर्तव्य निभाया है, वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं आशा करता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई ऐसा और भी अगर कहीं ना कहीं पे ऐसी दर्दनाक वाकया या कहीं ऐसी हरकत होती है, तो तुरंत पुलिस जो है वो सक्रिय हो, तुरंत लोग जो है उनका साथ देके उनका जो है उनका इंसाफ दिलाने का जो कार्य है वो करें।
एक और बात देखी गई है, जितने भी अपराधी हैं कत्ल करने के बाद जब कोई भी घटनाक्रम को अंजाम देते हैं तो पंजाब भाग जाते हैं, तो ये पंजाब का क्या सीन है? देखिए ये तो एक हंसी वाली बात है कि जम्मू कश्मीर से ये चीज करने के बाद पंजाब, हिमाचल, हरियाणा या दिल्ली भाग जाना, वो चीज अपने आप को छुपाने। और पंजाब के साथ क्या टच है इनका वो हमें नहीं पता, बट पंजाब में छुपने के लिए इनके पास कोई जगह होगी या फिर इनका रिलेटिव होगा जो कोई अपना साथी होगा जिसके पास ये जाते होंगे। लेकिन अगर ये चीज होती है तो हमारी पुलिस इतनी सक्षम है कि पंजाब के किसी भी गांव, किसी भी खेत से निकाल के ला के लाने के लिए वो सक्षम है। और जो कि इस केस में भी इनमें से एक जो है वो पंजाब में इन्होंने टीम भेजी है और पंजाब में छापामारी करके इनको अरेस्ट करने का जो कार्य है वो पुलिस ने बड़ा अच्छा और बड़े तरीके से किया है, जिसका क्रेडिट मैं तमाम जो है अपने SP हेडक्वार्टर को देना चाहता हूं, उनकी पूरी टीम को और SSP जम्मू को भी, और हमारी मीडिया कर्मी, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, तमाम मीडिया कर्मी जो साथ थे उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस चीज को जो है बिल्कुल एक तह दिल से अपने जम्मू कश्मीर के वासी होने के नाते, देश के वासी होने के नाते जो है इनको इंसाफ दिलाने का काम। शुक्रिया शुक्रिया जी, शुक्रिया। तो ये एक बड़ी खबर है और अच्छी खबर भी है कि चौथा आरोपी सोहन लाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देख रहे हैं दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत, नमस्कार।